राजस्थान का पूर्वी हिस्सा कांग्रेस का अवैध गढ़ बन गया है, जिसे भेदना भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाला। अब कांग्रेस इस अभेद किले को और मजबूत कर लेना चाहती है, लिहाजा ऐसे में कांग्रेस मिशन ईआरसीपी में जुट गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को खुला चैलेंज दे दिया। डोटासरा ने कहा कि वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को श्रेय न मिले, लेकिन हम आपको इस सोच के साथ सफल नहीं होने देंगे। ये राजस्थान का मुद्दा है, ये कांग्रेस पार्टी का या बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये बीजेपी की सरकार केंद्र में है, वहां 25 में से 25 सांसद हैं और यहाँ का जल संसाधन मंत्री है। उसके बावजूद भी ये लोग बात जिस तरीके की देश में आग फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये लोग बात हमारे बजट घोषणा को इंप्लीमेंट नहीं हो इसके लिए कुप्रयास कर रहे हैं, उनकी हम सब लोग यहाँ निंदा भी उनके इस काम की करेंगे। और हमारी क्या कार्य योजना होगी, हमारी सरकार क्या करेगी, हमारा संगठन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसकी रूपरेखा के लिए आपसे साझा करके और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उदयपुर डिक्लेरेशन में कहा था कि जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है और खून पसीना एक करके जनता की समस्याओं के समाधान करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के इस मिशन में कामयाब होंगे, केंद्र की सरकार को झुकाएंगे, यहां के मंत्रियों को, मैं आपको सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, गजेंद्र सिंह जी को इस मन से चेतावनी देना चाहता हूं कि आपने जो ये षड्यंत्र रचा है कि राजस्थान की सरकार को श्रेय नहीं मिले, कांग्रेस की सरकार को श्रेय नहीं मिले, इसको कामयाब नहीं होने देंगे। आपके जो गलत इरादे इस प्रदेश के लिए हैं उसमें कामयाब नहीं। आप इसका मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, आपको इन 13 जिलों के लोग, वहां के एमपी और एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कमर कसले अंदर नहीं घुसने देना है जब तक ईआरसीपी का प्रोजेक्ट राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर दे।